मीठे जहर से सावधान। अब मीठा जहर क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। त्योहारी सीजन मिलावट का कारोबार जोर शोरों से चल रहा है और ऐसे में मिलावटखोरों से निपटने के लिए खाद्य औषधि विभाग अलर्ट मोड पर है। मुरैना में खाद्य विभाग की टीम ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में संचालित सिंथेटिक मावा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। यहां पर मिठाई में केमिकल की मिलावट की बात भी सामने आ रही है। छापेमारी के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में सफेद खड़िया पाउडर जब्त किया गया है। इसके अलावा मौके से 15 क्विंटल सिंथेटिक मावा, 15 टीन रिफाइंड ऑयल, मिल्क पाउडर जब्त किया गया है। टीम ने बरामद किए गए सैंपल भी लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं। तो लगातार मिलावट मुरैना में हो रही है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और कई वो इलाके हैं ग्वालियर के आसपास का, मुरैना के आसपास का, जहां मिलावट का एक तरह से हब बन चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अमन सक्सेना, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते हैं। अमन, हर बार हमने देखा है कि जैसे ही त्योहारी सीजन आता है और मिलावटखोर जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, अब क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है? देखिए, शुद्ध जारी है और मुरैना कहीं ना कहीं मिलावट के लिए जाना जाता है, चाहे वो मावा हो, मिठाई हो, या फिर पनीर हो या दूध हो। हालांकि पुलिस विभाग और फूड विभाग लगातार संयुक्त रूप में ऐसी तमाम कार्रवाइयां करता है जिससे इस प्रकार की जो कार्रवाई है, उस प्रकार के जो धंधे चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। परंतु जब त्यौहार आता है, चाहे वे होली का हो, दिवाली का हो या अन्य कोई त्यौहार हो, तब इस प्रकार का जो तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है। हालांकि इन पर लगाम लगाने के लिए विभाग लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। कार्रवाई कल देखी गई, कल देर रात तक ये कार्रवाई चली है, जहां पर फूड विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा, सिविल लाइन थाना पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। जहां पर जो सहराना रोड है वहां ये कार्रवाई हुई है। वहां मिल्क केक बन रहा था मावा, नकली मावा, जो नकली तरीके से, सिंथेटिक तरीके से कहा जा सकता है, बनाया जा रहा था, वो जहर है लोगों के लिए। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ये कारोबार चलता है। हालांकि फूड विभाग का कहना है कि लगातार इस प्रकार की जो सूचनाएं मिल रही है उन पर पहले तहकी वहां तस्दीक की जाती है और बाद में वहां छापामार कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। ऐसे में कल भी ये बड़ी कार्रवाई मुरैना में देखी गई है। जी, तो बड़ी कार्रवाई तो हुई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? खाना पूर्ति तो नहीं हुई, क्योंकि हर बार इसी तरह की स्थितियां बनती, सैंपल इकट्ठे हो जाते हैं, मिलावटखोरों तक पहुंच जाती है टीम, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ढाक के तीन पार। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं महज खाना पूर्ति होकर अब तक रह जाती है, इसीलिए परेशानी आती है। परंतु जो कल की कार्रवाई है उससे ये दिखाई दे रहा है कि बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं इस प्रकार की कार्रवाई अगर माफिया पर होती है, जो ऐसा माफिया है जो सिंथेटिक चीजें बनाता है, चाहे पनीर हो, दूध हो या मिठाई हो, इन पर लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयां, बड़ी बड़ी कार्रवाइयां होती रहेंगी, तो निश्चित रूप में इन पर लगाम लगाई जा सकेगी। जी अमन, ये भी जानकारी दीजिए, जब ये पहुंचे, खाद्य विभाग की टीम पहुंची, तो कितने, कहां पर ये माल सप्लाई किया जा रहा था, कहां से आया था, इसकी कोई जानकारी मिल पाई, कोई इनपुट मिला? देखिए, माल बनाने की जो बात है तो सारे वहाँ पाउडर और जो सामग्री जो होती है, जिस तरीके का केमिकल होता है और जो इजी है, सर्फ है और तमाम सारी जो कास्टिक सोडा है और तमाम सारी जो चीजें होती है जो हमारे खाने योग्य नहीं होती, वह सभी चीजें इसमें मिलाई जाती है। तो वह तो फूड विभाग और पुलिस विभाग ने कल जब्त कर लिया था, परंतु जो सप्लाई है वो ऑल ओवर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सटे हुए राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमाम सारे जो राज्य है वहां पर भी इनकी जो सप्लाई है वो होती है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग कहीं ना कहीं और फूड विभाग कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है और यही कार्रवाई कल देखने को मिली है। जी, कल देखने को मिली है ये कार्रवाई और दूसरे जो भी प्रतिष्ठान है, मिठाई के जो दुकानें हैं, वहां पर भी कार्रवाई के लिए टीम पहुंचेगी क्या? बिल्कुल, पुलिस विभाग और फूड विभाग का कहना है कि लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही हैं और अभी भी जो दुकान है, जो बड़ी बड़ी दुकान है जिन पर कहीं ना कहीं सस्ती दरों पर मिठाई या सस्ती दरों पर मावा या सस्ती दरों पर सामान, दूध या पनीर मिलता है, उन सबों को चिन्हित कर लिया गया और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जब तक जारी रहेगी, तब तक लोग नहीं मानते, माफिया तंत्र जो है वो निष्क्रिय नहीं हो जाता, तब तक लगातार कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अमन, कोई जानकारी मिली कितना डेटा इकट्ठा हुआ है, किस तरह का जो है वो मिष्ठान दुकान है, वहां पर कार्रवाई होनी है या छोटी बड़ी सभी इसके दायरे में आएंगी? देखिए, फूड विभाग से जब बात की गई, उनसे पूछा गया कि ऐसा कुछ डेटा हमें उपलब्ध करा दीजिए, तो उनका कहना है कि अभी दिवाली का सीजन, अगर हम इस प्रकार के जो पॉइंट ऑफ्स है उनको अगर लीक करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो निष्क्रिय होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई फूड विभाग करता है, जिस प्रकार से वहां दबिश देता है, वह किसी को बताई नहीं जाती। जब वहां मौके पर पहुंच जाता है विभाग, मौके पर पुलिस बल पहुंच जाता है, उसके बाद ब्रीफ किया जाता है, उसके बाद बताया जाता है कि किस प्रकार की कार्रवाई अभी की गई है। हालांकि फूड विभाग का कहना है कि तमाम सारी ऐसी दुकानें, तमाम सारे ऐसे उद्योग जहां चल रहे हैं मुरैना में, जो डेयरी उद्योग जिन्हें कहा जा सकता है, जो फर्जी तरीके से मिलावटी सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक पनीर और सिंथेटिक मावा और तमाम सारी चीजें बनाते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए टीम बिल्कुल सक्रिय है और फूड विभाग का कहना है कि हम दिन रात बस यही बार बार ये देखते हैं कि कहीं कहां कौन सी सूचना कहां से मिलती है और फिर मुखबिर तंत्र के आधार पर यह कार्रवाई की जाती है। जी, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि कई बार होता है सैंपल तो ले लिए जाते हैं त्योहार के पहले, लेकिन
का जो मिलावट के बाद कार्रवाई होती है या फिर बताना होता कि क्या वाकई में इसमें जहर है या फिर मीठा जहर है, उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो त्योहार के बाद आते हैं। ऐसे में जो ग्राहक है वो तो पहले ही सामान इस्तेमाल कर चुके होते हैं। देखिए बिल्कुल यही बस सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात आ जाती है कि जो कार्रवाई होती है वो महज खाना पूर्ति हमेशा बनकर रह जाती है। परिणाम स्वरूप ये निकल कर आता है कि बार बार इस प्रकार का जो तंत्र है, माफिया तंत्र जिसे कहा जा सकता है, वो सक्रिय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मुरैना के नवागत पुलिस अधीक्षक आए समीर सौरभ, उनका कहना है कि और मुरैना के जो कलेक्टर है उनका, दोनों ये जो अधिकारी है उनका कहना है कि अब मिलावट को किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मिलावटखोरी वाले या तो माफिया मान जाए या फिर वो अगर नहीं मानते, इस प्रकार की लगातार वो अगर कार्रवाइयां होती रहेंगी उन लोगों पर, और फूड विभाग भी लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। फूड विभाग का कहना है कि अब महज कार्रवाई सैंपलिंग तक ही सीमित नहीं रहेगी, तमाम लोगों पर केस भी रजिस्टर्ड किए गए, तमाम लोगों पर जुर्माने भी लगाए गए। जी तो बिल्कुल सिंथेटिक मावा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है, मीठे जहर से सावधान होने की जरूरत है, मिठाई में केमिकल की मिलावट है और लगातार मिलावटखोर इतने ज्यादा बेधड़क हैं कि उन्हें ना ही सरकार का डर है ना ही प्रशासन का, और हेल्थ के साथ लगातार लोगों की खिलवाड़ ये कर रहे हैं। अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि कार्रवाई लगातार होती है अमन, उसके बाद भी मिलावट कारोबार बेखौफ अंदाज में इस तरह से चल रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज ये भी निकल कर आ रही है कि मुरैना हमेशा ये मिलावट के लिए जाना भी जाता है और हमेशा मुरैना पर एक दाग लगता रहा मिलावट के नाम पर। अभी हाल ही में जो परिवहन मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी एक जगह कहीं पर कहा था कि मिलावट के मामले मुरैना अव्वल है। हालांकि मुरैना के जो अधिकारी है उनका कहना है कि ये जो छवि अब तक रही है मुरैना की, इसको बदलने का पूरा प्रयास जारी है। फूड विभाग, पुलिस विभाग और तमाम सारे जो विभाग है जो इससे संबंधित है, वे लगातार इस प्रकार की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहे हैं जिससे इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, इस प्रकार की जो चीजें बन रही है उन पर अंकुश लगे। क्योंकि जो लोगों के लिए, लोगों के घर में जो दिवाली का सीजन है, मिठाई भी जाएगी, दूध भी जाएगा, मावा भी जाएगा, ये जब जहर लोगों के घर में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन का काम करता है। तो बिल्कुल स्लो पॉइजन का काम करता है। देखना होगा कि अब इस खेल में सैंपल तो लिए गए हैं और कार्रवाई के नाम पर क्या होती है या फिर महज खाना पूर्ति हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मीठे जहर से सावधान होने की जरूरत है। हालांकि अधिकारी सिर्फ सैंपल के खेल में लगे, मिलावटखोर मावा की लगातार सप्लाई कर रहे हैं बेधड़क। महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में इस तरह की सप्लाई लगातार हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर हालांकि पहुंचे हुए हैं, कई सैंपल लिए जा चुके हैं अब तक। जांच सैंपल रिपोर्ट कई बार देर से आती है और इससे उन पर अंकुश लग नहीं पा रहा। तो भिंड मुरैना के तमाम वो इलाके जहां मिलावट खोर इतने ज्यादा बेधड़क है कि किसी भी तरह का उन्हें डर रह नहीं गया। मिलावट का हब ग्वालियर, मुरैना, ये तमाम वो इलाके भिंड बने हुए, तो कई बार चोरी छिपे तक ये सारी चीजें जो है वो बेची जा रही हैं, चाहे वो मावा हो, पनीर हो, मिठाइयां हो या कोई भी और खाद्य पदार्थ हो। तो इस तरह के मावे को दिल्ली, महाराष्ट्र, अहमदाबाद और अन्य दूसरे राज्यों में ग्वालियर के रास्ते ही भेजा जा रहा है।